हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। आज का विषय है विज्ञान, भाग दो, वर्ग सेवन, क्लास का है। पार्ट वन और पार्ट टू का एक साथ है। पार्ट वन में कुछ खास ज्यादा नहीं है और पार्ट टू में थोड़ा विशेष है, थोड़ा देख लीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ मित्रों, बताइए प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जी देख बताइए, जो भी इसमें जो भी प्रश्न आए हैं, उत्तर आए हैं, वो सब पुस्तक से ही है, पुस्तक से बाहर एक भी नहीं है। निश्चित रूप से ही ये परीक्षा में आने वाले सब प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, देखते हैं। 22 मार्च को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जी हाँ बताइए, मुख से। आगे, जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? जी बताइए। जी हाँ, रूमिनेंट कहा जाता है, रूमिनेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, विश्व के कितने हिस्से के लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है? विश्व के कितने हिस्से के लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ बताइए, एक तिहाई से अधिक लोगों को जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आगे, भूमि के अंदर जल के रिसाव को क्या कहते हैं? भूमि के अंदर जल के रिसाव को क्या कहते हैं? जी हाँ बताइए मित्रों, अंत अश्यनंदन कहते हैं। आगे, वाल्मीकि नगर अभ्यारण किसके संरक्षण के लिए आरक्षित वन है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण किसके संरक्षण के लिए आरक्षित वन है? जी हाँ मित्रों बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, ठीक बताते हैं, बाघ या टाइगर संरक्षण, ये 5 क्लास में भी है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बिना समय गए हुए आगे बढ़ते हैं। भौमजल पुनःपूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? भौमजल पुनःपूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया क्या है? जी हाँ बताइए, वर्षा के जल का रिसना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां मित्रों, ये गाना का जो आवाज सुने हैं, ये मंदिर पर बज रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए, परीक्षा में अक्सर खंड ए खंड बी करके मिलान करने के लिए देगा, आप लोग मिला लीजिए। इसे मैंने सामने सामने दे दिया है, देखिए यहां पर। वाल्मीकि अभ्यारण पश्चिम चंपारण में है। एक बात ध्यान रखिए मित्रों, जितने भी अभ्यारण है ये बिहार में है। पूछा भी जा सकता है कि वाल्मीकि अभियान किस राज्य में है, यही पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बिहार के बारे में याद रखिएगा। वाल्मीकि अभियान पश्चिम चंपारण में है। बरेला अभियान वैशाली में, ब से बरेला, व से वैशाली। भीमाबाद अभियान मुंगेर। गौतम बुद्ध अभियान गया। कैमूर अभियान रोहतास में है। मित्रों, ये आगे बढ़ते हैं, बिना समय के आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन काल में दांतों के कितने सेट विकसित होते हैं? हमारे जीवन काल में दांतों के कितने सेट विकसित होते हैं? जी हाँ बताइए, 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट 8 वर्ष तक गिर जाता है, जिसे दूध का दांत कहा जाता है, इसे दूध के दांत कहते हैं। ठीक ही है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, मानव का कौन सा दांत फाड़ने का कार्य करता है? ऐसे भी आ सकता है, मानव का कौन सा दांत फाड़ने और चीरने का काम आता है? ये हमें बताइए, देखते हैं। केनाइन, जिसे रत्नक भी कहा जाता है, दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में गए हिंदी पढ़ के और वहां ऑप्शन में अंग्रेजी दे दिया तो अब तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, या जो अंग्रेजी पढ़ के गया हिंदी में दे दिया तो समस्या हो जाएगा। एक बार हिंदी अंग्रेजी दोनों का आंसर देख लीजिएगा। इसमें मानव दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मानव दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जी बताइए, जो सबसे कठोर तत्व है। इनामल,
यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना समय गए हुए। ऐसे मेरा चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता, एक बार सर्च करके जरूर देखिए, प्रधान शिक्षक के बारे में ही है। मानव मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? मानव मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? जी हाँ बताइए, 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3 जोड़े होती है, आगे बढ़ते हैं। श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होता है, श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? इपिक्लोटिस कहते हैं, इपिक्लोटिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है बताइए? जी हाँ बताते हैं, अमाशय। अमाशय जो है आहार नाल का चौड़ा भाग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी आकार चपटी होती है और यू आकार की होती है। जी हाँ, इसकी आकार चपटी होती है और यू आकार की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसकी संरचना कुंडलित होती है। जी हाँ, इसकी संरचना कुंडलित होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी शरीर का जांघ की हड्डी होता है, फीमर। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। पितरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पितरस, जी हाँ बताइए, पितरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। मानव के किस अंग द्वारा आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचाता है? मानव के किस अंग द्वारा आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचाता है? छोटी आंत से। ठीक, आगे। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, लगभग में है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। जी हाँ मित्रों, 1.5 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषकों में किसकी प्रधानता होती है? पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में किसकी प्रधानता होती है? जी हाँ बताइए, सेलुलोज की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से क्या होता है? जी हाँ बताइए, आहार नाल और श्रावी होता है। आहार नाल और श्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत में किसका पोषण होता है? जी हाँ बताइए, जल और कुछ लवणों का होता है पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? खाद्य धानी में होता है। आगे, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? जी हाँ मित्र बताइए, देखते हैं इसका आंसर, प्लाज्मा झिल्ली से। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर। मानव शरीर में दूध के दांत कितने होते हैं? संख्या कितनी होती है बताइए? 20 दांत होते हैं। यहां तक बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहां तक देख लेते हैं तो लाइक बनता है मित्रों, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करें। थैंक यू।